नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नीतीश सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम जरूर किया है। खास करके राजधानी पटना में अलग अलग एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य करवाने में नीतीश सरकार सफल रही है। पटना से बक्सर के बीच बनने वाला 4 लेन नेशनल हाईवे के मुख्य अतिथि के रूप में दानापुर से बेहटा तक करीब 23.50 किलोमीटर की लंबाई में एलिवेटेड रोड का निर्माण होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार इसका निर्माण अगले साल से शुरू हो जाएगा। एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया DPR तैयार करता है और जल्द ही निर्माण एजेंसी के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद ये राज्य का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड होगा। जानकारी के अनुसार दानापुर से बेहटा तक एलिवेटेड रोड बनने से पटना और बेहटा की दूरी काफी कम हो जाएगी। इसके साथ ही कोइलवर बक्सर 4 लेन के हिस्से के रूप में बन जाने से 6 लेन पुल का निर्माण हो चुका है। इसके 3 लाइन पर आवागमन शुरू हो चुका है, बाकी के 3 लाइन पर अगले महीने से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों आरा में NH 30 पर रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के दौरान इस बात का आश्वासन दिया था, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में दिसंबर 2021 तक निर्माण एजेंसी का चयन किए जाने और 2024 तक इस पर आवागमन शुरू होने की बात कही थी। हालांकि हम आपको बता दें कि इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से पटना से बेहटा का सफर सिर्फ 20 से 25 मिनट में तय किया जा सकेगा। आपको ये भी बता दें कि इस सड़क का निर्माण NHAI करने जा रहा है, लेकिन इन सबसे पहले भू अर्जन विभाग को जमीनों का अधिग्रहण करना है, जिसके बाद विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जमीनों के अधिग्रहण के बाद मुआवजे की कार्रवाई पूरी करने के बाद सड़क का काम शुरू हो जाएगा। लगभग 6 महीने के अंदर भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए अलाइनमेंट बना लिया गया है। कई जगह सड़क को गांव के बाहर से निकाला गया है, क्योंकि एलिवेटेड सड़क में मकान अड़चन डाल रहे हैं। पटना से बेहटा के लिए बनने वाले सड़क पर 4 जगह रैंप बनाए जाएंगे, उसमें दानापुर, नेवरागंज, बेहटा एयरपोर्ट और बेहटा चौक शामिल है। कालांतर में पटना रिंग रोड भी बनकर तैयार हो जाएगी, इसीलिए रिंग रोड के निर्माण को देखते हुए भी इस सड़क को बनाया जा रहा है। रैंप के सहारे वाहन रिंग रोड में जा सकते हैं। किसी को बेहटा सरमेरा 4 लेन जाना होगा तो उसके लिए 2 जगह पर एलिवेटेड से उतरने की सुविधा होगी। पहला नेवरागंज और दूसरा बेहटा एयरपोर्ट जाने के रास्ते पर बनाया जाने वाला रैंप। आपको बता दें कि पटना से बेहटा के लिए बनने वाली सड़क की लंबाई के अनुसार 108 एकड़ भूमि अधिग्रहण का काम किया जाना है। इस परियोजना में 2,777.67 करोड़ का खर्च आएगा, जिसमें से भूमि अधिग्रहण पर 456 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।